ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार, घरेलू उपचार में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में एक जबरदस्त उपाय दे रहा हूँ। इस उपाय से लोग देखते ही आपके बस में हो जाएंगे। तो साथियों, यह एक मोहिनी वशीकरण उपाय है और इसके अलावा सबसे ज्यादा लाभ बिजनेस करने वाले, दुकान करने वाले, व्यापार करने वाले उठा सकते हैं। यह ऐसा उपाय है कि जो जो देखे वही बस में हो जाए। यह मोहिनी वशीकरण है। तो मित्रों, इसमें दिन वार की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी दिन इस जड़ को आप प्राप्त कर सकते हैं। यह मोहिनी वशीकरण जड़ है। अब आप सबसे पहले इसका पौधा को देखें। मित्रों, इस पौधे का नाम है सफेद गूंजा, घुगची, रत्ती, करजीरी। तो मित्रों, इसमें सफेद और लाल और काले घुगची के दाने आते हैं, लेकिन आज हम सफेद वाली की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख लें। अब मित्रों, इसमें दिन वार की जरूरत नहीं है। आप कभी भी सुबह के समय इसका जड़ को थोड़ा खोद कर लाइए और सबसे पहले आप देखें कि सफेद घुगची कहाँ पर है। तो साथियों, इसका पौधा नर्सरी में भी मिल जाता है, सफेद का, लाल वाले का, आसानी से मिल जाता है। तो आप सुबह के समय इसका जड़ खोद कर लावें और लाने के बाद आप इसे अच्छी तरह से धो लें। इसमें कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, कोई तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं है। ऐसा ही यह पावरफुल है। तो मित्रों, जब भी आपको घर से बाहर जाना हो, चाहे आप व्यापार में जा रहे हो, बिजनेस में, दुकान पर, तो इस तिलक को लगा कर जाएं। ग्राहक खूब आएंगे और जो ग्राहक आएंगे तो आपको देखते ही प्रेम भाव से बातचीत करेंगे, आपकी बिक्री कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि यह ग्राहक को खींचता है, अपने बस में करता है। और जो लोग बिजनेस से नहीं जुड़े हैं, अन्य लोगों से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी इसका तिलक करके अगर घर से बाहर जाएंगे तो देखने वाले सभी आपके बस में होंगे, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो। तो मित्रों, अब इस जड़ को एक पत्थर साफ सुथरा रखें और पानी के सहारे इसको घसकर लेप जैसा बनावें और बनाने के बाद अब आप इसका तिलक लगाएं। तो मित्रों, ऐसा यह तिलक है कि देखने वाले सभी हो जाते हैं बस में। तो मित्रों, यह एक मोहिनी तिलक से कई तरह के लोग फायदे उठा सकते हैं, बिजनेस, व्यापार, दुकानदारी और अन्य लोग भी फायदे को उठा सकते हैं। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो में इतना ही और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।